हेलो गाइस, तो अभी हम हैं उत्तराखंड में और इस वीडियो में हमने ऋषिकेश को कवर किया है, जिसमें कि मरीन ड्राइव वहाँ की एंड त्रिवेणी घाट, गंगा की आरती एंड राम झूला, लक्ष्मण झूला, स्वर्ग आश्रम, गीता भवन, जितने भी मैक्सिमम स्पॉट्स हो सकते हैं वहाँ पर, वो सब हमने कवर किए हैं। राइट, तो यहाँ पर हमारा जो ट्रैवल था वो नोएडा से स्टार्ट हुआ है, तो हम आपको जो वीडियो दिखाएंगे वो नोएडा से ही दिखाएंगे, जहाँ से हम घर से निकल रहे हैं और फिर उसके बाद ऋषिकेश पहुँचने का, फिर वहाँ पर डिफरेंट प्लेसेस में जाने का, घूमने का, तो वो सारा का सारा एक्सपीरियंस अभी हम आगे वाली वीडियो में आपसे शेयर करते हैं। थैंक यू। तो सामान सारा पैक हो चुका है और हम तैयार हैं ऋषिकेश जाने के लिए। तो आज तारीख है 23 जनवरी 2021 और अभी समय हो रहा है 6:45 AM। नोएडा में अभी का मौसम बहुत ही ठंडा है और बहुत ही फॉगी है, बट आज के दिन फॉग कम है जिससे गाड़ी चलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। अब बात करें मोड ऑफ ट्रैवल की, आपको अगर दिल्ली NCR से ऋषिकेश जाना है तो आप बाय रोड जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं या बाय एयर भी जा सकते हैं, और अगर आप मॉर्निंग टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं तो बाय रोड इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज इस समय आपको ट्रैफिक बहुत कम मिलेगा। और अब बात करें रूट की, तो गाज़ियाबाद के बाद दो रूट यहां पर देखने को मिल जाते हैं। एक रूट है जो मेरठ से मुजफ्फरनगर की ओर जाता है और इसमें टोल भी बढ़ता है, और दूसरा रूट है छोटी गंगा कैनाल रूट, जिसमें टोल नहीं है और ये डायरेक्टली खतौली से जुड़ता है। और क्योंकि अभी का मौसम थोड़ा फॉगी है, इसलिए हम छोटी गंगा वाला रूट नहीं लेंगे और मेन रूट से ही आगे बढ़ेंगे। नोएडा से ऋषिकेश अभी दो टोल आते हैं, एक 85 रुपीज़ का आता है, दूसरा 40-50 रुपीज़ के आसपास आता है। गूगल मैप में एस्टिमेटेड ट्रैवल टाइम अभी 5 घंटे का बता रहा है, तो लेट्स सी, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और अभी हम पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद से आगे, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड में यहां पर ट्रेन के लिए एक रूट बन रहा है, और हम पहुंच चुके हैं मेरठ के आसपास, और यहां पर फॉग थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, और थोड़ी ही देर में हम पहुंचेंगे नमस्ते मिडवे, जो कि एक मिड पॉइंट है, और यहां पर हम लेंगे थोड़ी चाय और थोड़ा आराम। तो ये है मिड पॉइंट नमस्ते मिडवे, और इस मिड पॉइंट को बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, और शायद इसलिए ही यहाँ पर ज़्यादातर ट्रैवलर रुकते हैं फॉर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। नमस्ते मिडवे में आपको डिफरेंट रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हल्दीराम, मैकडोनल्ड, सबवे और लोकल रेस्टोरेंट्स। और यहाँ मिलता है चाय का नुक्कड़, जो कि बहुत फेमस है अपनी चाय के लिए, और यहाँ बहुत ही धीमी आवाज़ में पुराने पुराने गाने चलते रहते हैं, तो चाय के साथ पुराने गाने एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन देता है। और साथ में ही आपको यहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स देखने को मिल जाती है।
नुक्कड़ में गर्मा गर्म चाय पीने के बाद बढ़ते हैं अपने सफर की ओर और यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन 2-3 घंटा दूर है। और क्योंकि मॉर्निंग टाइम में ट्रैफिक नहीं मिलता तो गाड़ी का अच्छा एवरेज मिल जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं रुड़की और रुड़की से ऋषिकेश लगभग 1.5 घंटे का सफ़र और हो जाता है। और क्योंकि अभी महाकुंभ का टाइम चल रहा है तो शायद हरिद्वार में रूट डाइवर्ट हो सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में भोले बाबा की विशाल मूर्ति देखकर आपको पता चल गया होगा कि हम हरि के द्वार हरिद्वार पहुंच चुके हैं। और क्योंकि अभी महाकुंभ का टाइम चल रहा है तो इस समय बहुत सारे यात्री हरिद्वार स्नान करने आते हैं और इतने सारे यात्रियों को मैनेज करने के लिए प्रशासन द्वारा रूट डाइवर्ट किए जाते हैं ताकि कहीं पर भी ज़्यादा ट्रैफिक ना लगे। और क्योंकि हम यहाँ पर सुबह सुबह पहुँच रहे हैं तो हमें कोई रूट डाइवर्जन नहीं मिला और इससे हमारा ट्रैवल टाइम थोड़ा और कम हो जाएगा और हम जल्द से जल्द ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। योग की नगरी ऋषिकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लगभग 5 से 6 घंटे ड्राइव करने के बाद हम पहुँच गए हैं फाइनली ऋषिकेश। ऋषिकेश में हम स्टे करेंगे आवास विकास कॉलोनी में एंड अकॉर्डिंग टू आवर प्लान हम लोग कवर करेंगे मरीन ड्राइव ऑफ ऋषिकेश, त्रिवेणी घाट, राम झूला, लक्ष्मण झूला और बहुत सारे आश्रम और वहाँ की लोकल मार्केट्स। तो लगभग 230 किलोमीटर के बाद हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश 5 से 6 घंटे में और गाड़ी का एवरेज है 22.7। So thank you so much guys for watching this video. Next video में हम इसी केस पर बताए गए खूबसूरत पल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। So please stay tuned. And if you are new, please do not forget to subscribe this channel, Lifestyle Vlogger. We really appreciate your time. Thank you.